दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में? इसे पीएमएवाई भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी योजना है जो हमारे देश की सरकार ने 2015 में शुरू की थी। इसका सपना बहुत बड़ा है, 2044 तक सबके लिए घर। जी हाँ, आपने सही सुना, सबके लिए। इस योजना का मकसद है कि सबको रहने के लिए अच्छे और सस्ते घर मिले, खासकर उन लोगों को जो शहरों और गांवों में रहते हैं। पक्के मकान बनाकर जहां सारी सुविधाएं हों, ये योजना लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने का काम कर रही है। पीएमएवाई सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि सपनों को पूरा करने के बारे में है। क्योंकि घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, बल्कि सुरक्षा, अपनापन और खुशियों का ठिकाना होता है। ये योजना लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपने घर का मालिक बनाकर उन्हें ताकत देती है। इस बड़े से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि सबके लिए घर का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। पीएमएवाई के जरिए सरकार आर्थिक मदद और सब्सिडी दे रही है, ताकि जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका अपना घर हो सकता है, उनका ये सपना भी पूरा हो सके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पीएमएवाई योजना भारत के हर कोने को बदल रही है। एक घर बनाकर सबके लिए घर का सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई भारत के बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। ये जरूरी बातें इसलिए हैं ताकि योजना का फायदा उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पीएमएवाई का फायदा लेने के लिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, साथ ही आपकी कमाई कुछ खास श्रेणी में आनी चाहिए। इस योजना में ये बात ध्यान में रखी गई है कि अलग अलग कमाई वाले लोगों की घर की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग फायदे रखे गए हैं। एक और जरूरी बात, आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पूरे भारत में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस योजना में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जो अक्सर पीछे रह जाते हैं, जैसे कि महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग लोग। इन समूहों को प्राथमिकता देकर पीएमएवाई का उद्देश्य है कि घर के मामले में किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको बराबर मौका मिले। याद रखें, पीएमएवाई का लाभ उठाने के लिए इन जरूरी बातों को पूरा करना पहला कदम है। यह जानने के लिए कि आप इस योजना के लिए योग्य हैं या नहीं, इन सभी बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई सस्ते घर के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। ये सिर्फ पैसों की मदद ही नहीं करती, बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ है जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। पीएमएवाई की सबसे खास बात है होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी। इसका मतलब है कि आपको घर खरीदने के लिए जो लोन लेना पड़ेगा, उस पर ब्याज बहुत कम लगेगा। कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं और कितने का लोन ले रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ हर कोई उठा सके। ब्याज सब्सिडी के अलावा पीएमएवाई ऐसे घर बनाने पर भी जोर देता है जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों। इस योजना में ऐसी चीजों और तरीकों से घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं और हमारे भविष्य को बेहतर बनाएं। इसके साथ ही पीएमएवाई महिलाओं को भी खास तवज्जो देता है। इस योजना के तहत घर की मालकिन महिला भी जरूर होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं का भी घर पर बराबर हक हो और उन्हें अपने परिवार और समाज में समानता मिले। ये सारी बातें और फायदे यह दिखाते हैं कि सरकार पीएमएवाई को सच में एक ऐसी योजना बनाना चाहती है जो भारत में घर से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या का हल कर सके। हर की चरण 4, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई के लिए आवेदन करना अब बहुत आसान हो गया है।
इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिससे आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है जिससे हर कोई, चाहे वो कहीं भी रहता हो और उसे इंटरनेट चलाना आता हो या न हो, आसानी से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के लिए आपको PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में दी गई है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना खाता बनाना होगा और अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह पता रह सके कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वास्तव में वही है और कोई फर्जी आवेदन तो नहीं कर रहा है। एक बार जब आप अपना खाता बना लेते हैं तो आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसमें आपको अपनी सारी जरूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पता, कितनी कमाई है आदि। इसके साथ ही आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट। जब आप अपना आवेदन ऑनलाइन भेज देते हैं तो आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी। इस संख्या को सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता हो सकती है। इस संख्या से आप यह भी जान सकते हैं कि आपके आवेदन की क्या स्थिति है। चरण 5, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत आसान है, लेकिन सरकार यह भी जानती है कि सभी लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है और न ही सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए PMAY के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जा सकते हैं। इन केंद्रों पर आपको प्रशिक्षित लोग मिलेंगे जो PMAY के लिए आवेदन करने में आपकी मदद करेंगे। वे आपको आवेदन पत्र भरने में मार्गदर्शन करेंगे, आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका आवेदन सही तरीके से भरा गया है। इसके अलावा आप PMAY आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर्म को ध्यान से भरें, सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें और इसे अपने निकटतम बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा कर दें जो PMAY योजना में भाग ले रहे हों। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति, चाहे उसके पास इंटरनेट की सुविधा हो या न हो, PMAY योजना का लाभ उठा सके। चरण 6, निष्कर्ष। PMAY से कैसे होगा। सबके लिए घर का सपना पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY यह दर्शाता है कि भारत अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास प्रदान करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। यह योजना अपने बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से आवास क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करती है, जिसमें आर्थिक बाधाओं से लेकर सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। PMAY का प्रभाव सिर्फ ईंट और गारे तक ही सीमित नहीं है। यह योजना व्यक्तियों और परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को घर के मालिक बनाकर उन्हें सशक्त बनाती है और एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध समाज की नींव रखती है। सबके लिए घर का सपना सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक हासिल करने योग्य लक्ष्य है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि PMAY का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे और कोई भी इससे वंचित न रह जाए। आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सबके लिए घर हासिल करने की यात्रा में सरकार, नागरिकों और समाज के हर वर्ग के लोगों के सामूहिक प्रयास और भागीदारी की आवश्यकता है। मिलकर काम करके हम PMAY के विजन को हकीकत में बदल सकते हैं। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि ऐसे घर और समुदाय बना सकते हैं जो आशा और अवसरों से भरे हों।